हो रब जो चाहे वही तो होना गुजरता नहीं उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं रब जो चाहे वही तो होना है क्यों आदमी खिलो संभाली है तब से हमने देखा है कई व्यक्तियों को देखा है जो किसी दिन पैसे वाले थे आज भिखारी बने हुए फिर रहे हैं और जो भिखारी थे वो राजा बने फिर रहे हैं और निवेदन करूंगी गीत की तरफ ध्यान दीजिएगा क्यों क्योंकि वक्त वक्त की बात है और वक्त वक्त का फेर और वक्त बदलने में नहीं कोई लगे जरा सी दे कल भिखारी थे आज वो ही दानी है भरत भैया कल भिखारी थे आज वो ही दानी वक्त की मेहरबानी है वक्त की मेहरबानी है और ये 200 रुपए का पुरस्कार सबको समय काका तारा भैया और भरत भैया उनकी तरफ से ये 221 रुपए का पुरस्कार आया बहुत बहुत धन्यवाद कहा दानी है क्यों वक्त की मेहरबानी है वक्त की मेहरबानी है और 51 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान और 51 रुपए का पुरस्कार गजराज वकील उनकी तरफ से आया है बहुत बहुत धन्यवाद अब सुनिए कल भिखारी थे आज वो ही दानी है क्योंकि वक्त की मेहरबानी है भैया अब देखिए सबसे पहली बात सत्यवादी हरिचंद की गाथा भैया सत्यवादी हरिचंद की गाथा है दुनिया ने जानी और बदला समय तो काशी जाकर बिक गए तीनों प्राणी बदला समय तो काशी जाकर बिक गए तीनों प्राणी राजा हरिश्चंद्र कितने बड़े दानी थे फिर भी देखिए वक्त है क्यों भैया धूप में तर के घर को भरे पानी है वारे समय भूख में है तर के घर को भरे पानी है क्यों है वक्त की मेहरबानी है और या कटारे में रुपयन की लाइन लग जावे हुई कटारा कल गवैयन की पेटी उन्हें पूछी तो वक्त की मेहरबानी वक्त की मेहरबानी है
दूसरी बात सुनिए भैया, सबरी के यहाँ लक्ष्मण जी ने किए काम अनूठे। क्या काम कर दिया लक्ष्मण जी ने? भिलिनी के यहाँ लक्ष्मण जी ने किए काम अनूठे, और खाए नहीं थे फेंक दिए थे पैर बताकर। अगर समझ में आ रही है तो पीछे की लाइनें बोलते करो। अरे खाए नहीं थे फेंक दिए थे पैर बताकर झूठे, पैरों को झूठा बता करके फेंक दिया लक्ष्मण जी ने। तो देखिए वो ही झूठन पड़ी उनको खानी है। लक्ष्मण जी ने कब खाई वो झूठन? जब लक्ष्मण जी के संग शक्ति लग गई और हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर के आए, और वही बेल संजीवन बूटी बनकर के आए थे, तो वो ही झूठन पड़ी उनको खानी है। क्यों? ए वक्त की मेहरबानी है। अब दुनिया, क्योंकि समय कम है, इसीलिए समय घटाता मान को समय बढ़ाता मान, और भीलन लूटी को पिका तो वोई अर्जुन वोई। भैया समय घटाता मान को समय बढ़ाता मान, भीलन लूटी को पिका तो वोई अर्जुन वोई बाण। तो हार अर्जुन ने भीलों से मानी है। बड़ो तीरंदाज बन तो अर्जुन, और जब भीलों से सामना हुआ तो हार अर्जुन ने भीलों से मानी है। दादा क्यों मानिए? वक्त की मेहरबानी। अब अंतिम मंत्र सुनिए। राजा से नल रंक बन गया, राजा से नल रंक बन गया कुछ ही समय के भीतर। क्यों? क्योंकि खूटी हार लील गई, उड़ गए भुजे भुजाए। राजा नल की कहानी सबने सुनी है, गो साहब समय। राजा से नल रंक बन गया कुछ ही समय के भीतर, खूटी हार लील गई उड़ गए भुजे भुजाए तीतर। और ये गाना उन्होंने लिखा है, भी कम रसिया ये बैरग की निशानी है। आदमी हमारे भी कम रसिया जी ने लिखा है, एक बार निवेदन करूंगी, जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दे उनको। भी कम रसिया ये बैरग की निशानी है। कौन? वक्त की मेहरबान।